चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोपों के बीच आज सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज ये क्लियर हो जाएगा कि चंडीगढ़ मेयर के लिए नए सिरे से चुनाव होगा या फिर बैलेट पेपर की गिनती दोबारा से की जाएगी। आज जब दोपहर 2 बजे के करीब सुनवाई शुरू होगी तो अदालत में 30 जनवरी को हुए मतदान के बैलेट पेपर पेश किए जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया का वीडियो भी सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक दिन पहले ही चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले की सुनवाई करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाई थी, साथ ही उनके खिलाफ अलग से केस चलाने की बात कही। काउंटिंग के दौरान वायरल हुए वीडियो का एक जिक्र करते हुए CJI ने कहा, ये स्पष्ट है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। ये मामला बहुत गंभीर है। चीफ जस्टिस ने पूछा, आपने वोटों पर क्रॉस का निशान क्यों लगाया? कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जाहिर की कि चंडीगढ़ के पार्षद दल बदल रहे हैं, ऐसे में दोबारा चुनाव करवाने से नतीजे बदल सकते हैं। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने चुनाव में खरीद फरोख्त को लेकर भी चिंता जताई। बेंच ने कहा, जो खरीद फरोख्त हुई है उससे वो दुखी हैं। कोर्ट ने कहा, ये खरीद फरोख्त का धंधा बंद होना चाहिए, इसलिए हम अगले ही दिन बैलेट पेपर देखना चाहते हैं। सर्वोच्च अदालत ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में मतपत्र और वोटों की गिनती का वीडियो आज दोपहर 2 बजे तक पेश करने का वक्त दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट बैलेट पेपर्स और वीडियो की जांच करेगा। जांच के बाद ये तय होगा कि बैलेट पेपर्स की गिनती होगी या मेयर पद के लिए दोबारा मतदान होगा। बता दें कि 30 जनवरी को चंडीगढ़ में मेयर पद के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें BJP के मनोज सोनकर ने जीत दर्ज की थी, लेकिन चुनावी नतीजों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने धांधली के आरोप लगाए थे, जिसका वीडियो दोनों पार्टियों ने सबूत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था। इस बीच खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही मेयर मनोज सोनकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।